वेलकम बैक टू स्टॉक्स पाव यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। शुगर स्टॉक में बात की जाए तो शुगर स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते सभी शुगर स्टॉक में तेजी देखने को मिले। आप बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक 17.15 पे ट्रेडिंग कराए, फिर यहाँ पे 1.55 पैसे पे तकरीबन 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक के लिए। आपके मन में कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एंड ऑफ द डे में सभी आंसर्स मिल सकते हैं। तो देख सकते कि आज जैसे ओपन हुआ स्टॉक तकरीबन फ्लैट ओपन हुआ था, ओपन होते 16 लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे अपर सर्किट में लॉक हो चुका था स्टॉक 17 लेवल के ऊपर। एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। मार्केट कैप जो है 2.99,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बजाज हिंदुस्तान शुगर की। लास्ट फ्राइडे इसकी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते चॉपिंग मोमेंट पर आज फिर से बाउंस बैक हो चुका है। मीन्स तकरीबन बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि वॉल्यूम देखा जाए आज का 3 करोड़ 15 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू 5,333 लाख की है। बाइंग के लिए देख सकते 1 करोड़ से ज्यादा क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है, पर सेलिंग के लिए एक भी क्वांटिटी नहीं है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नजर डाली जाए तो 3 करोड़ 9 लाख में से तकरीबन 1 करोड़ 51 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके। कुल मिला के 49% क्वांटिटी जो है डे नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए जाते हुए नजर आ चुके। तो बाकी के जो डिटेल्स है उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो देख सकते कि तकरीबन चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि आज स्टॉक बाउंस बैक फिर से हो चुका है। लास्ट वीक में जो तेजी पकड़ी थी फिर यहाँ पे 17 लेवल पे रजिस्टर लेके गिरावट हो चुकी थी, तो इस बार 17 लेवल को ब्रेकआउट देता है तो इजिली ऊपर 20 लेवल तक जाने के जो चांसेस है ओपन हो सकते हैं स्टॉक के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए।